गोमिया में हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। हमारे पीछे ट्रेन है और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देखते हैं, नहीं होगा तो कुछ खाएंगे पिएंगे और कुछ पैसे निकाल लेंगे एटीएम वगैरह से। आगे हम लोग को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि काफ़ी जंगल हो के जाना है, घाटी वगैरह है, पहाड़ वगैरह है, तो शायद हम लोगों को टाइम मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग निकाल लेंगे पैसा वैसा। और हम लोग रात भर सफ़र करने के बाद भागलपुर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे पेट्रोल पम्प में 2-3 घंटा हम लोग आराम किए थे, उसके बाद इसी पेट्रोल पम्प में है। और यहाँ पे फ्रेश होने का जगह नहीं था, लेकिन हम लोग ढूंढ देख सकते हैं फ्रेश होने का जगह। हम लोग इस जगह पे हैंडपम्प है, देसी हैंडपम्प, ये बिहार वाला, वहाँ पे हम लोग फ्रेश हुए। पीछे हम लोग का उधर आम का गार्डन है, फिर ये मेज का मकई, जिसको झारखंड में मकई बोलते हैं, और फिर उधर दूर में उधर बहुत सारा केला बनाना का गार्डन है। तो अब हम लोग यहाँ पे आराम कर चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे थोड़ा चाय वगैरह पी के, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे, सीधा सफ़र को कंटिन्यू करेंगे, फिर आप लोग से मिलेंगे सफ़र के बाद। हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ भैया से हमने पूछा 10 रुपये कप चाय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भैया चाय बना रहे हैं। चाय इनके पास था नहीं तो बनवा रहे हैं हम लोग चाय। 4 चाय पी के यहाँ से हम लोग फिर निकल जाएंगे पीछे होटल आगे रास्ते पे। थोड़ा सा टी शर्ट फ्रेश होने में, टी शर्ट थोड़ा गीला हो गया है, चलो कोई नहीं, इतना तो होता है। बट बहुत ख़तरनाक रास्ता था और हम लोग रास्ता भटक भी गए थे बीच में। तो अगर आपको आना हो दार्जिलिंग तो पहले से रास्ता का एटलीस्ट रिसर्च कर ले, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है इधर। और अगर गलती से मतलब नक्सलाइट एरिया, नक्सली एरिया अगर आप चले जाते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। रात में हम लोग को बहुत दिक्कत हो गई थी, करीब 80 किलोमीटर तक हम लोग भटक गए थे रास्ता, और बहुत गलत रास्ता में चले गए थे। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने हाईवे पकड़ा, उसके बाद फिर हमें टाइम नहीं मिला बनाने के लिए, लेकिन बहुत ख़तरनाक रास्ता था, बस इतना कहेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं खोखा बस्ती का, थोड़ा सा पीछे हैं हम लोग, रुके हुए हैं पेट्रोल पम्प में टंकी फुल कराने के लिए। टैंक हम लोगों ने पेट्रोल लेके फुल करा लिया है, यह पेट्रोल पंप है। और हम लोग खोखा बस्ती के थोड़ा सा पीछे हैं, हम लोगों ने बहुत लंबा सफ़र किया तो थोड़ा दिक्कत तो हुआ, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। 4 लेन तो था लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। अभी हम लोग गाड़ी को भी थोड़ा ठंडा कर रहे हैं क्योंकि इंजन छोटा है। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा देर आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे हाईवे पकड़ के। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ होता है। तो बहुत दिक्कत हो रहा है सफ़र, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। अगर किसी को बाय रोड इस रोड से आना है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस रोड में आना है तो थार या फिर स्कॉर्पियो या फिर फॉर्च्यूनर ही लेके आना पड़ेगा। छोटी गाड़ी है तो बहुत दिक्कत होने वाली है इस रोड में, इतना ज़्यादा ख़राब है। 4 लेन भी है तो भी रोड ख़राब, 2 लेन भी है तो भी रोड ख़राब। अब हम लोग निकल चुके हैं घाटी के लिए, थोड़ा किलोमीटर 5-7 किलोमीटर बचा हुआ है, उसके बाद हमारा घाटी शुरू हो जाएगा दार्जिलिंग वाला। अभी हम लोग 2 वे लेन में जा रहे हैं। आर्मी क्वार्टर्स आप देख सकते हैं, आर्मी क्वार्टर्स आप बिल्कुल देख सकते हैं। आर्मी कैंप
चुका है, टी गार्डन। जितनी दूर तक नजर जाएंगी उतने दूर तक सिर्फ चाय की खेती दिखने वाली है। हमारा घाटी अब यहाँ से शुरू होने को है। चढ़ाई की तरफ देख रहा है, घाटी नहीं है लेकिन मतलब ये स्लोप बन रहा है चढ़ाई वाला, तो चढ़ाई शुरू हो गया। हाँ, चारों तरफ कुहासा, वो एक्चुअली बादल है, वो दिन भर रहता है, कुहासा नहीं है बादल है। और सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा है कि ठंड होने वाली है बेटिया, बाहर लीजिए। सीधा रास्ता है लेकिन पहाड़ी है, चढ़ रहे हैं लोग, चढ़ाई है। आसमानी गिर गया है सारे टूरिस्ट लोग जाते हुए। ये है कैरियर ऑफ फायर, ट्रिप करके वापस भी आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग ट्रिप में चढ़ते हुए, खतरनाक घाटी है लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है। नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत है, एकदम ग्रीनरी, नेचर से जुड़े लोगों के लिए। और यहाँ पे वेलकम टू दार्जिलिंग, यहाँ पे गाड़ी रोक के हम लोग पहुँच चुके हैं दार्जिलिंग एरिया। अब यहाँ से एंटर हो